नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। शाम 6 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो करीब 60% वोटिंग प्रतिशत हरियाणा में सामने आया है। हरियाणा में अब तक 59.4% मतदान हुआ है। बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट, सिरसा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इलाकों के लिहाज से अगर हम समझें तो सिरसा में 63% मतदान की खबर सामने आई है और इसके अलावा अलग अलग इलाकों का परसेंटेज भी आपको हम दिखाएंगे। अंबाला में 62.3% मतदान हुआ है, कुरुक्षेत्र में 62% मतदान हुआ है। शाम 3 बजे के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसके लिहाज से 4 बजे से 6 बजे का वक्त जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब तक 59.4% मतदान टोटल निकलकर सामने आया है, सबसे ज़्यादा सिरसा में मतदान हुआ है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, अंबाला में 62.3% सबसे ज़्यादा अंबाला के इलाके में मतदान हुआ है, कुरुक्षेत्र में 62% मतदान हुआ है। तो ये 60% से ऊपर पूरा एक आंकड़ा जो है वो अलग अलग जगहों का सामने आया है और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 59.4% मतदान हुआ। सिरसा में 63% मतदान हुआ है। कोशिश की गई चुनाव आयोग की तरफ से भी और लगातार प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से चला कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। एक राष्ट्र को बनाने में आपके मत का क्या रोल है वो आप सभी जानते हैं। जब आप सरकारों के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं। ये अभी तक का जो आंकड़ा है वो आपके सामने, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का ये वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक सामने आया है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या आगे प्रभाव देखने को मिलेगा। सुभाष शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित नेहरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज अग्रवाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विपिन शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष जी, आप ही का मैं रुख कर लेती हूँ और सवाल आपसे मैं, जो वोटिंग परसेंटाइल सामने आया है अभी तक का करीब 60% जो है हम देख पा रहे हैं, कितना आप पिछली दफ़ा के इलेक्शन से इस वोटिंग परसेंटाइल से एक डिफरेंस देख पा रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर लगभग इसी अनुपात में ही जो वोटिंग होती रही है। गर्मी का मौसम था तो मैं समझता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3% ज़्यादा हुआ है। जहाँ जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, यहाँ वोटिंग थोड़ी कम रही है। पर अभी जब फाइनल कैलकुलेशन होगी 6 बजे के बाद की, जो आंकड़ा मुझे लगता है चुनाव आयोग का 8-9 बजे तक आएगा, तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। इतनी जो है इससे 5-6% वोटिंग ज़्यादा मिलेगी आपको। तो वोटिंग जो आज हुई है, तो कुल मिला के ये है कि पहले तो ये नज़र आ रहा था कि बहुत भारी टक्कर है दोनों पार्टीज की, कांग्रेस की और बीजेपी की। मुख्य दो ही पार्टियां थी, बाकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका कोई मुझे मुकाबला नज़र नहीं आया है। और इन दोनों पार्टियों का ही मुकाबला 10 की 10 सीटों पर रहा है। एक सीट आप वाली को अलग कर दें तो 9 सीट पर कांग्रेस के साथ रहा है, एक में उनके साथ रहा है। जी विपिन जी, जिस तरह से अभी सुभाष जी भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो नेक टू नेक फाइट का धीरे धीरे सिनेरियो बदलता चला गया, हमने देखा शुरुआती दौर में जब बीजेपी ने अपने टिकटों की घोषणा की थी तो एक वेव दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो कई इलाकों में, कई जगहों पर हमने देखा नेक टू नेक फाइट की सिचुएशन भी दिखाई दी। मैं देखिए कुछ हद तक ज़रूर सुभाष शर्मा जी की बातों से इत्तेफाक रखूँगा कि ये बात तय है, क्योंकि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट का अनुमान लगाया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर आप कहें, भले ही भाजपा की तरफ से ये नारा दिया गया अबकी बार 400 पार और यहाँ पर क्लीन स्वीप रहेगी, जैसे 2019 में रहा कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में निकाल ली थी, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी थी। क्योंकि यहाँ पर भले ही, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा जब आमने सामने हैं टक्कर में, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यही एक अंदेशा, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस अच्छी टक्कर देगी। अभी तो नतीजे जब आएंगे 4 जून को, तब अंतिम फैसला होगा कि किसने बाजी मारी, कौन ज़्यादा सीटें निकाल पाया, भाजपा कितनी सीटें अपनी रिटेन, क्या क्लीन स्वीप रहेगा, 2 सीटों की क्षति होगी,
या 3 सीटों की क्षति होगी, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन देखिए, ज़रूरी बात यह है कि मैं एक आंकड़ा ज़रूर सामने रखना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये बहुत बड़ी एक केस स्टडी है कि उत्तर प्रदेश में भी कहने को 4 मुख्य राजनीतिक दल चुनावी मैदान में थे। अगर विधानसभा की बात करें कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन अंत में टक्कर कौन था, आमने सामने कौन खड़ा था? सपा और भाजपा। वही बात है पश्चिम बंगाल की कि कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में टक्कर आमने सामने टीएमसी और भाजपा। तो यहाँ पर हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर जितनी आप अगर पूरे देश की बात करते हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस एक तरह से सेकेंड फिडल में आई हुई है इस समय, क्योंकि वो संतुष्ट है कि अगर सीट शेयरिंग, क्योंकि सीट शेयरिंग को जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तो ये आंकलन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर वो समझौता कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र में करा था जब महाविकास अघाड़ी दल का गठन हुआ था, तो वहाँ पर एक सेकंड फिडल कि एनसीपी आगे थे और शिवसेना आगे थी, और वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अंदर खाने से ये बातें आती थी कि वो नाराज हैं कि उनको जितने डिसीजन मेकिंग है, जो मुख्य निर्णय लेने हैं, उनमें उनको नज़रअंदाज करा गया है। तो यहाँ पर यही बात है कि अच्छी बात है कि कम से कम दिल्ली में तो आपको भले ही एक 4-3 का सीट शेयरिंग है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन इतनी प्रबल संभावना नहीं लगती। देखिए, वो तो जब चुनाव आएंगे तब बिल्कुल फैसला साफ होगा, लेकिन हरियाणा में अच्छा मुकाबला है ये। अमित नेहरा जी, अच्छा मुकाबला है, कितना आपके लिहाज से, आप अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के सिचुएशन को थोड़ा क्लियर करके देखें, कितनी सीटें कहाँ किस खाते में जाती आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए सोनल, भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, ना ज्योतिष का कोई पढ़ा है आपका रिसर्च तो बड़ा तगड़ा रहता है लेकिन जो फील्ड में गया हूँ मैं, लगभग पूरे हरियाणा में घूमा हूँ, अपने पत्रकार दोस्तों से जो बात हुई है, फील्ड के वर्कर से बात हुई है, मतदाताओं से बात हुई है, तो पहली बात तो ये तय है कि ये मुकाबला 2019 वाला बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जो एक तरफा था वो बात कहीं भी नहीं मिली। अब ये है कि जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी, और सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगी ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए कांटे की टक्कर है, कोई भी सीट ऐसी नहीं है आज के दिन जहाँ पे ये कह सकें कि फला सीट बिल्कुल क्लियर है। हालांकि रोहतक है, सिरसा है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि आगे कौन है, निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे है वहाँ पे। और जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव का आप जैसे डेटा का जिक्र किया भाई, मतदान का, उस पर हम आज तो हम मतदान के डेटे पे ही जिक्र कर सकते हैं। तो एक रोचक आंकड़ा है भाई, एक तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो गुड़गांव है, क्योंकि 25-26 लाख वोट हैं, और उसमें भी 2 क्षेत्र ऐसे हैं, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, बादशाहपुर और गुड़गांव। बादशाहपुर में लगभग 5.5 लाख वोट हैं, गुड़गांव में 4.5 लाख के आसपास वोट हैं, दोनों 9-9.5 के आसपास वोट करते हैं। मान लिया यहाँ पे ये मान लें कि 40% मतदान हो, आप इस पे गौर करना, तो 3.5 लाख से ऊपर हो जाता है। अगर 50 हो जाए तो 4.5 लाख हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम करें पुनाना, वहाँ वोट ही मान लिया 1.5 लाख हैं, 1.60 हैं, 1.70 हैं, 60% हो जाए तो भी वो 1,75,000 है। तो ये चीजें हैं, ये आंकड़ों से नहीं समझी जाती, ये वहाँ का मिजाज कैसा है। अब गुड़गांव बादशाहपुर में कितने वोटर बीजेपी की तरफ जाएंगे, कितने कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब की बार क्या है, पहली बार ऐसे देखा है जैसे 2019 में बीजेपी का वोटर वोकल था, वो बोल रहा था। अब की बार उल्टा है, अब की बार कांग्रेस का वोटर वोकल था, बीजेपी का वोटर वोकल नहीं था। ये भी बड़ी बात मैंने जो देखी है हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से। तो वो जो चुप्पी है वो किधर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वो चुप्पी क्या वोटों में कन्वर्ट होगी, क्या वो चुप्पी रह जाएंगे? ठीक है ना। एक और है 400 पार वाला जो नारा है, वो नुकसान करता हुआ दिख रहा है हरियाणा में।
तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। अनुज जी, आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहे, एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहा, और जिस तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट वोटर के भीतर नजर आई, उदासीनता जो नजर आई, वो अभी हमने परसेंटाइल में भी देखी, अलग अलग जगहों का आंकड़ा जब हम निकाल कर देखें, हमारे रिपोर्टर्स भी चप्पे चप्पे पर थे, उन्होंने भी ये बात समझी कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो वोट नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो एक इच्छा, एक लैक ऑफ, एक विल जो नजर आई वोटिंग के प्रति, उसको आप किस तरह से देखते? नमस्कार सुमल जी, नमस्कार इंडिया न्यूज़। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो लगभग जैसा देश में हो रहा है वैसे ही हो रहा है। बहुत भयंकर गर्मी है, इतनी खराब परिस्थितियां कभी चुनावों में नहीं रही हैं कि जहाँ 45-50 के बीच में टेम्परेचर हो, तो निश्चित रूप से वोटरों को घर से पोलिंग बूथ तक निकालना एक बड़ी मशक्कत का काम होता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है 60-65% के बीच में मतदान के आंकड़े आ रहे हैं, तो ये खराब नहीं है। और हम ये कह दें कि बिल्कुल वोटर निकला, 2-3% फ्लक्चुएशन, कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता नहीं है, और इससे बहुत बड़े परिणाम प्रभावित नहीं होते। कभी टर्नआउट कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, लेकिन वो उसका नतीजों पर या किसी एक पार्टी के पक्ष में या उसके विरोध में होना, ये हम एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर 60% प्लस मतदान है तो मुझे लगता है कि अच्छा मतदान है। जितने विकसित देश हैं उनमें तो 45-50% भी मतदान नहीं होता। उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो हिंदुस्तान बहुत जागरूक है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, यहाँ का जो दलित मतदाता है और यहाँ का जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो बढ़ चढ़ के वोट करता है। तो जिसको हम लगभग कहते हैं भाई ये तो अभी हाशिए पे है या ये मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लोकतंत्र के लिए, हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रमाण। तो इसलिए हमें अपने मतदाताओं पर भरोसा है, हमें अपने भारत के लोकतंत्र पर भरोसा है। दूसरी चीज, हरियाणा की जो मुझे परिस्थितियाँ दिखती हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल विपक्ष ने बहुत कोशिश करी है। पिछले 5 सालों में किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने इसको जमकर भुनाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार हैंड टू हैंड टैकल करती है ना, वो टैकलिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और जो बैकग्राउंड मैनेजमेंट करते हैं, पर्दे के पीछे के जो खेल है, तो उन्होंने किसान आंदोलन के सारे जितने नेता थे उन सबको ही छिन्न भिन्न कर दिया, सारे उनके जो इतने सारे गुट बन गए कि ये नहीं समझ में आ रहा कि असली कौन है। तो ऐसे में जनता बड़ी भ्रमित हो गई, और वो जो उसका इम्पैक्ट मिलना चाहिए था कांग्रेस को, वो उस तरीके से नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज, जब देश में का चुनाव होता है तो स्थिरता के लिए चुनाव होता है। 2 बार के कार्यकाल मोदी सरकार के देखे गए हैं जनता द्वारा, और जो साइलेंट वोटर है वो इसलिए साइलेंट है, उसको पता है कि हमें फिर से मोदी सरकार को चुनना है। और एक ऐसा जो जिसको नहीं मिली 10 साल सत्ता, वो वोकल है, जो हमें दिख रहा है जहाँ शोर है वो उसका शोर है, जिसको सत्ता में हिस्सेदारी मिली और वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो ये साइलेंट वोटर और वोकल वोटर के बीच का मुझे लगता है ये डिफरेंस इस समय दिख रहा है। सुभाष जी, जिस तरीके से रूरल और अर्बन एरियाज के जो इश्यूज हैं उनको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि जो रैलियां रही पिछले दिनों, जो तमाम लीडर्स पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर फिर से नेशन के मुद्दों को उठाया, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि जो योजनाएं हैं, जो वहाँ के काम काज हैं, उनका एक प्रभाव दिखाई देता है। आप मुद्दों के लिहाज से कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अर्बन और रूरल एरियाज के वोटर्स के मिजाज को? देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हमेशा से ही अलग रहे हैं और शहरी क्षेत्र के मुद्दे हमेशा अलग रहे हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस बार जो फैक्टर जो हरियाणा के अंदर जो वोटिंग का हुआ है उसमें 4 फैक्टर चले हैं। एक फैक्टर चला है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मेरे साथियों का ना हो, सबसे बड़ा रहा है जाट फैक्टर। जाट मुखर होके बोला है कि मैं हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपने देखा हो कि रोहतक में और उससे आगे के हिसार में, जींद में, उचाना में, सोनीपत में, जब भी ये छोटे चैनल से लेके, यूट्यूबर से लेके, जिसने भी जाकर किसी से इंटरव्यू लेने की कोशिश गांवों में करी है, तो स्पष्ट जवाब मिला है कि हम इस बार जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस को साथ देंगे, हम मोदी के साथ नहीं जा रहे। एक वो फैक्टर था, दूसरा किसान आंदोलन का भी कुछ असर था, तीसरा मुस्लिम फैक्टर हमेशा से हरियाणा में रहा है, भले ही इसमें 3.5% वोट हमारे हरियाणा में है, 4.25% के करीब है, वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया। और चौथा जो था इसका जो है दलित फैक्टर, दलित इस बार थोड़ा नाराज नजर आया है। दलित फैक्टर जो है पूरी तरह से तो नहीं मैं कह सकता, पर जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, वो पूरी तरह मुखर होके कह रहे हैं कि हम इस बार कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि जब ये 4 फैक्टर आ रहे हैं, दलित फैक्टर, मुसलमान फैक्टर, जाट फैक्टर और किसान फैक्टर, वो 4 फैक्टर हैं, तो बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने पिछले बार के चुनाव का आकलन करूँ 2019 का,
तो आप अगर वोटों का प्रतिशत देखें कि जाट मतदाताओं ने पिछली बार भी कम वोट दिए थे बीजेपी को, मुसलमानों के बाद अगर सबसे सेकंड नंबर आया था तो जाटों का ही आया था, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, कम दिया था। इस बार और ज़्यादा रिजल्ट हैं कि हम नहीं देंगे। अगर हम उसको भी देखें तो जबकि बीजेपी का वोटर, अभी नेहरा जी ने ये बात कही थी कि बीजेपी जो कुछ वोटर ऐसा है जो साइलेंस है, वो बोल ही नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है। तो हमारे ये मैं देखने में आया है कि जो बीजेपी का वोटर था वो चुप था, उसने किसी खुलकर किसी चैनल को इंटरव्यू में नहीं कहा। आम आदमी है, आम आदमी से जाके पूछते हैं तो उनको ये डर था या यहाँ के लोकल किसान नाराज हो जाएंगे अगर हम ये कहेंगे हम बीजेपी को वोट देंगे, बिल्कुल, और या कोई दूसरी बरादरी नाराज हो जाएगी, तो उन्होंने कहा चुप रहे, मतलब खुल के नहीं बोले। बिल्कुल विपिन जी, आपके अकॉर्डिंग क्या इस चुप्पी की वजह रही, साइलेंस की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए यहाँ पर वोटर के मन में क्या चल रहा है, साइलेंट वोटर, स्विंग वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, महिला वोटर और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये अलग अलग पैटर्न है। और यहाँ पर ये पैटर्न देखिए, मैं दिल्ली के उदाहरण देकर अपनी ये बात अपने विचार रखूंगा कि दिल्ली कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। जनता वही है, जनता बदलती नहीं है जब वोट डालने जाती है, लेकिन उनको भली भांति पता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, किस आधार पर अपने नेता अपने राजनीतिक दल पर भरोसा जताना है, उनको चुनना है, और विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे, किन पे भरोसा जताना है, नगर निगम में क्या होगा। ये दिल्ली में देखिए आप, विधानसभा के चुनाव हुए प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, लोकसभा के हुए 2014-2019 क्लीन स्वीप, सातों सीटें भाजपा को दे दी। तो इसका मतलब ये है साफ कि जनता, जिनको हम जनार्दन बोलते हैं, वो बहुत जागरूक हो चुकी। 21वीं सदी है, वो दौर गुजर गया जब चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे लड़े जाते थे, वो मुद्दे हुआ करते थे। जब 21वीं सदी बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात चलती है, तो यहाँ पर अपेक्षाएं उम्मीदें भी सातवें आसमान पर है। जनता जनार्दन चाहती है नए एक्सप्रेसवे बने, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो, एम्स बने, आईआईटीज बने, आईएम्स बने, और सबसे बड़ी बात है कि विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, विकास दिखाई दे धरातल पे भी। और सही मायने में आपको जैसे अब आप देखते हैं नेशनल हाईवेज कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए हैं, जाना एक एक जगह से दूसरी जगह कितना आसान हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हरियाणा की अगर खास तौर पे हम बात करते हैं तो ये कोई बाकी राज्यों से जुदा नहीं है। और क्या पहले पुराने समय में क्या बोला जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ये हरियाणा को श्रेय जाता है कि यहाँ पर एक नई नजीर पेश हुई है कि उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है, और ये हमें बड़ा नाज होता है, बड़ा फक्र महसूस होता है। और ये बात हो गई है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, तो यही बात है। तो श्रेय जाता है, हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें या जो भी, लेकिन इस श्रेय के साथ साथ एक नाराजगी भी है खिलाड़ियों में अमित जी, जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुए, और ये एक बड़ा फैक्टर तो रहा है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें जहाँ से गांव देहात के बच्चे खेलों में निकलते हैं, उनके भीतर इस चीज को लेकर रोष और गुस्सा तो था। बिल्कुल सोनल, अगर राजनीति से इतर भी सोचे तो जैसे ही वो ब्रिजभूषण वाला प्रकरण आया तो हरियाणा राज्य के अखाड़ों में लड़कियों की संख्या कम होगी और लोग अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से कतराने लगे, और ऐसा ही जो हाल है वो वेस्टर्न यूपी में भी हुआ, जो पहलवानों का कटोरा कहा जाता है। तो राजनीतिक रूप से भी इसका असर तो पड़ना लाजमी ही है। और अभी सुभाष शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जाट वोट वोकल है, लेकिन मैं इस पर और जोड़ता हूँ कि ब्राह्मण वोटर भी वोकल होता है और ब्राह्मण नेता भी वोकल रहे हैं। हमेशा दो ही जातियां हरियाणा में, जाट और ब्राह्मण, जो वोकल रहे हैं। आप देखिए पिछले 5 साल में राम कुमार गौतम जेजेपी के विधायक होते हुए अपने पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ कैसी बयानबाजी की उन्होंने, बिना डरे निर्भीक होके। हालांकि मुद्दे उनके अलग हो सकते हैं लेकिन वो डरे नहीं कभी। तो देखिए बोलना अच्छी बात है, जेजेपी में सबसे पहले आवाज उठाने वाले रामकुमार गौतम ही थे, वही थे। तो बोलना अच्छी बात होती है, आप अपने हक हकूक के लिए बोलना सीखिए, ठीक है, बोलना गलत नहीं होता, लेकिन आप गलत मत बोलिए। और दूसरी बात, आपने खेल खिलाड़ियों की बात कही, अभी एक चीज और आई निकल के
कि विकास, तो मेरा ये मानना है जितनी पत्रकारिता हुई है मैंने देखा है कि विकास करवाने के वायदे को लेके वोट मांगे जा सकते हैं, विकास करके वोट नहीं आते आपके। ये आप अच्छी बात वो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा उदाहरण है, नजीर है वो पूरे प्रदेश के लिए। 2014 अक्टूबर 2014 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो सभी विपक्षी पार्टियों का ये आरोप था कि पूरे हरियाणा का पैसा रोहतक शहर में लगा दिया, रोहतक शहर का कायाकल्प कर दिया। लेकिन जब विधानसभा के नतीजे आए तो रोहतक शहर से कांग्रेस हार गई, जिन पे ये आरोप था कि आपने इतना ज्यादा विकास क्यों करा दिया है इस विधानसभा का। तो विकास के नाम को लेके कि हम कराएंगे, हम आगे सपने दिखा के तो विकास के वोट लिए जा सकते हैं, विकास करवा के आप वोट नहीं ले सकते। अच्छा आनंद जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अमित जी, लेकिन अब जो अभी रैलियां रही उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही पर्सनल कनेक्शन दिखाई दिया, उन रैलियों में जो भाषण रहे उनमें उन्होंने हरियाणा से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कोई योजना आगे का प्लान क्या किया गया उन चीज़ों पर फोकस कम दिखाई दिया, तो क्या ये वोटर को जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं ये चीज़ प्रभावित करेगी क्या? देखिए मोदी मैजिक तो है अपनी जगह पर, मोदी मैजिक का ही कमाल है जो 10 साल से बीजेपी है और इस बार भी ताल ठोक रही है। और एक सबसे बड़ी बात है, आप कहीं पर भी मोदी के लिए एंटी इनकमबेंसिव नहीं है, आप न्यूट्रलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन कोई विरोध इतने आंदोलनों के बाद भी वो विरोध जो होना चाहिए था, जो हम 2014 में 12-13-14 में देखते थे यूपीए सरकार के खिलाफ था, उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए चीजें टफ हो सकती है, मार्जिन कम हो सकता है जीत का, लेकिन मोदी का मैजिक के साथ राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, सारा वोटर उस पर कॉन्सेंट्रेट है, युवाओं में मोदी की अपील है, कनेक्ट है वो डायरेक्टली। लेकिन क्या क्या 2019 से ये वेव क्या कम नहीं हुई है क्या, ये जो नेशन के मुद्दों में ये मैच्योर हो गई है, मैच्योर हो गई अभी उनको पता है हमें कहीं और जाने नहीं है। जैसे आपको पता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम मतदाता जाते हैं तो उसने कहां जाना है सबको पता है। अब ऐसी एक मोदी का अपने एक तो लाभार्थी वर्ग बन गया है, दूसरा उसका हिंदुत्व वाला वोट बैंक बना है, ये तो वोट बैंक मोदी के साथ बिल्कुल इंटैक्ट हो गए। इसीलिए मोदी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद जा रहे हैं जिससे उनको मोबिलाइज कर सके। ये स्ट्रेटजी मोदी ने जो 2014-2019 में अपनाई उससे ज्यादा इंटेंसिव 2024 में आपको दिख रही है, कि जितना वाइडली वो पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं लगभग हर जगह देखे और पाए जाते हैं, ये इस तरह की उनकी स्थिति हो गई है। तो ये जो उनका पर्सनल कनेक्ट है ना, ये उनको हम बाकी सारे फैक्टर कितने भी काउंट कर लें, लेकिन मोदी का जो पर्सनल फैक्टर है उनका कम से 20-25 करोड़ का वोट बैंक ऐसा है जो बिल्कुल उनका अपना है, और वो सारे फिगर चेंज कर देता है, सारे आंकड़े बदल देता है। इसलिए आज मेरे साथी पत्रकार जितने भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा 200 ज्यादा सीटों पर कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में, बाकी 8 सीटों पर हो सकता है मार्जिन कम हो जाए, लेकिन आज भी बीजेपी हारने वाली स्थिति में नहीं है। जो भी खेल है रोहतक में हो सकता है या आपके सिरसा में हो सकता है, लेकिन बाकी 8 सीटों पर स्थितियां ऐसी बीजेपी के लिए खराब नहीं है। और माइक्रो मैनेजमेंट जिस तरीके का बीजेपी का है, जिस तरीके से उन्होंने टैक्टिक्स किए, उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी अपनी बी टीम बना लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी भी टीम बन गई, राष्ट्रीय लोकदल भी टीम बनकर उनके लिए काम कर रहा है, तो वो भी वोट कटवाए। फिर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच का वोट डिफरेंस है, अब देखिए वो 28% थे, 58% थे, इतना बड़ा गैप है, तो कांग्रेस कितना फिल करेगी। तो अब कांग्रेस के पास एक अल्टरनेटिव विजन या मतलब पूरे इंडी गठबंधन के पास नहीं है, विजन नहीं है, एक चेहरा नहीं है, वो बड़े बिखर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने शुरुआती एकता दिखा दे तो चीजें बदल सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको कैश कराने में कामयाब नहीं रहे। सुभाष जी, हरियाणा के लिहाज से इस मार्जिन को अगर हम समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर नेशन के लेवल पे अगर हम देखें तो इस खाई को पाटने में बहुत समय लगेगा कांग्रेस को, लेकिन हरियाणा के लिहाज से ये जो इलेक्शन है इसके लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्जिन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हरियाणा के अंदर जो आप मार्जिन की बात हो रही है, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में एक कमी रही है, चाहे लोगों की नाराजगी को वो कैश नहीं कर पाए। किस लिए नहीं कर पाए? कि उनका संगठन ही नहीं है। मैं पिछले 20-22 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर किसी भी जिले में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष नहीं है, कोई बूथ स्तर का नहीं है। जबकि इसके पैरेलल हम जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक भी उनके वर्कर हैं। आज जो देखने को मिला, मैं आपको फरीदाबाद की उदाहरण देता हूँ, आज फरीदाबाद में चुनाव था, मैं वहीं से आया हूँ, तो वहाँ कांग्रेस के जो जितने बूथ थे उसमें कुछ चंद को छोड़ दें अगर, बाकी में दिहाड़ीदार आदमी बैठे हुए थे। उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि जब इनका संगठन ही नहीं है तो कौन बैठेगा उनके जाके
जो वर्कर होता है वो ऐसे लड़ता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं ये चुनाव अपने बूथ से जिता के दूंगा, अपने मोहल्ले से जिता के दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल इसीलिए कांग्रेस इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएगी जितने दावे किए जा रहे हैं। मान लो दावा ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि 50-50 की लड़ाई है, 10 में से 5 सीट कांग्रेस ले जाएगी, 5 बीजेपी ले जाएगी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में तो हमने गुटबाजी जो है बीजेपी में भी साफ तौर पर देखी है। लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो टिकटों के बंटवारे पे नाराजगी की बात कर ले तो दोनों ही पार्टीज में कमोबेश सिचुएशन एक जैसी सी दिखाई दी। देखिए बीजेपी में जो थोड़ा बहुत हुआ है, जो एक नाराजगी हुई है वो उस स्तर की नहीं हुई जो कांग्रेस में देखी गई है। लोग घर बैठ गए। कांग्रेस के ऐसे भी नेता थे जिन्होंने जाके साथ नहीं दिया, बोल दिया, बयान दे दिया कि ठीक है हम पार्टी के साथ हैं, जब नाराजगी टिकट नहीं मिली तो। पर उस स्तर पर जो बीजेपी के अंदर जो संगठन है मजबूत, उस वजह से मैं समझता हूं कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही विपरीत परिस्थितियां रही हैं इन चुनावों में, दावा होता रहा है उसमें आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी सीटें बीजेपी जीतेगी, पर पिछले वाला मार्जिन नहीं है। मार्जिन क्यों नहीं है कि पिछली बार 2 सीटें सिर्फ ऐसी थी, रोहतक की 7,500 से जीती थी और एक सोनीपत की 1,64,000 से जीती थी, बाकी सभी सीटें 3 से 6.5 लाख तक जीती थी मार्जिन से। इस बार ये गैप कितना हो सकता है आपके? इस बार ये गैप घटेगा और काफी घटेगा। गैप आप ये कह सकते हो कि जो 6.5 लाख संजय भाटिया जीते थे करनाल से और हमारे फरीदाबाद से कृष्णवाल गुर्जर 6.25 लाख से ज्यादा जीते थे, वो मार्जिन अब वो आधे से भी कम, यूं कह लो 30% तक रह सकता है, एक तिहाई रह सकता है, पर सीट लूज नहीं होगी ऐसा मुझे विपिन जी मान। सीट लूज नहीं होगी, मार्जिन कम ज्यादा रह सकता है। देखिए क्योंकि अंत में जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं और यहाँ पर जीत जीत होती है, हार हार होती है, और ये एक रिवायत सी है कि यहाँ पर आप जब हार जाते हैं तो 100 आपको कारण बताए जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो बस वो एक जीत का सहरा आपके सर पे बन जाता है। लेकिन बहरहाल देखिए क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हम लोग और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र के लोकतंत्र हमारा मुकम्मल हो, हमारा विपक्ष मजबूत हो, और यही कांग्रेस से उम्मीद करी जा रही थी कि आप अगर 2014 का बड़ा वाला चुनाव हार गए, 2019 का हार गए, कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए, मुखर होके आप मुद्दे उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये चिंता का विषय है कि यहाँ पर क्या कारण था। पंजाब में तो जीता हुआ मैच आप हार गए, सेल्फ गोल कर गए, इतने सुलझे हुए पॉलिटिकल मैच्योर जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह, बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, उनको क्या जरूरत थी उनको नजरअंदाज करने की। आपने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वहां पर भी जब ताजपोशी हो रही थी वो दृश्य देखते ही बनता था, वो सब कुछ बयान कर रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑल इज नॉट वेल, जबकि कांग्रेस की आलाकमान ये बताना चाह रही थी कि ऑल इज वेल, ऑल इज अंडर कंट्रोल, इसके विपरीत था और वही हुआ, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जीता हुआ मैच हार गए। और आम आदमी पार्टी आज उनकी सरकार है, अच्छी बात है, उनको भी श्रेय जाता है, मेहनत करी होगी। और लेकिन यहाँ पर अभी एक बात है कि यहाँ पर अभी एक हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीटों पर ये जैसे मेरे से पहले अभी जो वरिष्ठ पत्रकारों ने बोला कि सिरसा की बात चल रही है और रोहतक की बात चल रही है, तो ये यहाँ पर कांटे की टक्कर है और यहाँ पर कांग्रेस की संभावना है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि घूम फिर के कि यहाँ पर आपने जो जो देखिए क्या होता है अमूमन चुनावों में कि चुनावों से पहले जब उम्मीदवारों का चयन होता है और कुछ जिनकी बड़ी जो प्रबल उम्मीदवार होते हैं कि आपको टिकट मिलेगा मिलेगा और जब उनको नजरअंदाज करा जाता है किसी भी कारणवश तो वहां पर वो नाराजगी हो जाती है, हताश होकर या तो दूसरी बागी बन जाते हैं। ये सिचुएशन अब कांग्रेस को कितना फायदा क्या नुकसान पहुंचाएगी? अमित जी जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है, इन कंट्रोल होती है, तो कांग्रेस अपनी हरकतों से आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है उसको। ये अभी अभी की सिचुएशन को अगर हम देखें, जिस तरह से बागियों का जिक्र हो रहा है, गुटबाजी का जिक्र हो रहा है अलग अलग जगहों पर, कितना आप नुकसान देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर ये राजनीति है और राजनीति में ये सब आम सी बात है? देखिये सोनल, हरियाणा में गोहाना की मातू की जलेबी पूरे हरियाणा में विख्यात है, दिल्ली में भी पता होगा अड़ोस पड़ोस को,
तो जितनी वो टेढ़ी होती है जलेबी, तो हरियाणा की राजनीति भी वैसी ही है, टेढ़ी मेढ़ी, आप उसको समझ नहीं सकते। और अब एक जैसी दुकान पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह माथुराम के नाम से खोलनी है लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि हरियाणा को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ। अभी चर्चा चल रही थी, लगभग सभी साथियों ने ये कहा कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। हाँ। और इस वजह से वो बैकफुट पे आएगी। हाँ। बिल्कुल आएगी, संगठन नहीं होना। लेकिन एक हरियाणा के लिए खास बात और भी है, चौधरी देवीलाल ने ताउम्र अपने कोई पार्टी नहीं बनाई, हमेशा वो सिंबल लेके लड़ते थे किसी पार्टी का, कभी चरण सिंह से ले लिया, कभी किसी पार्टी से ले लिया। उसके बावजूद उन्होंने 1977 में थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनाई, 1987 में बनाई, 1987 में तो टोटल 90 में से 85 सीटें ले आए थे वो अकेले अपने दम पे, बिना संगठन के। हालांकि संगठन जरूरी होता है, लेकिन जब जन सैलाब आपके साथ लेकिन होता उसके है। साथ साथ आपको नहीं लगता कि वोटर जो है, कार्यकर्ता जो है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप एक पन्ना स्तर पर बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं। वो फैक्टर है, मैनेजमेंट है, उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन हरियाणा की राजनीति को भी हम नहीं कर सकते। अभी चर्चा चल रही है करनाल की, तो पंजाब का एक उदाहरण आया, तो बीजेपी को भी पंजाब से सीखना चाहिए। भाई आप एन इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले आप क्यों कर रहे हो चेंज? आपने सीएम क्यों चेंज किया? जवाब दे तो बीजेपी भी है। हाँ। तो ये जो है फैक्टर, ये बीजेपी को नुकसान। अच्छा अच्छा, ये फैक्टर, ये कितना इसका फायदा नुकसान क्या देखते हैं? मुझे सीएम बदलने जाने का जो है, इसका फायदा नुकसान आप करनाल लोकसभा का क्या, जब मतगणना होगी उस पर आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। मैं ये दावे से कह रहा हूँ। किस तरह से थोड़ा और इलैबोरेट करिए। वो उस दिन 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ। क्योंकि वहां पे नाराजगी बहुत है बीजेपी। हाँ। के प्रति। हाँ। जितनी विधानसभाएं हैं, हर एक में वोटर मुखर होके बोल रहा है बीजेपी। हाँ। के खिलाफ। हाँ। कि आपने बदला क्यों? हाँ। तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उसमें करना चाहिए था। हाँ। और एक और है इसमें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, अग्निवीर का जिक्र किया, और एक जो मुद्दे थे वो अंबाला में, तो खासकर और अंबाला और कुरुक्षेत्र में, वो ये था कि सरकार ने किसको नहीं पीटा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, विपिन जी आपके पास भी मैं आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया है, अभी फिलहाल जो फाइनल सिचुएशन क्या रही है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार सुबह 6 बजे से आप इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 63.2% मतदान हरियाणा में अब तक हुआ है, और सिरसा अव्वल शुरू से ही था, और सबसे ज्यादा मतदान सिरसा में हुआ है, 67.8% मतदान सिरसा में हुआ है। ये बड़ी खबर, अंबाला में 66.3% मतदान, पहले रेस में अंबाला आगे नजर आ रहा था लेकिन अब सिरसा ने बाजी मार ली है। कुरुक्षेत्र में 65.8% मतदान हुआ है, तो हर जगह पर अगर हम देखें तो ये ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज है वो 60 अबव चली गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ में 64.9%, हिसार में 63.7% मतदान हुआ है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब फाइनल आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो उन फाइनल आंकड़ों में 60% से ऊपर अगर मतदान जाता है तो फिर ये एक बेहतर सिचुएशन हो सकती है। विपिन जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए अभी क्योंकि ये बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री को क्यों बदला गया, देखिए सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं बिल्कुल अभी जो पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि कुछ हद तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर सिक्के का दूसरा पहलू का आकलन करें कि जब आप नेता कौन होता है जो नेतृत्व भी कर पाए और जो विश्वास जिसको विश्वास मिला हो बाकी आपके दल का, तो वहाँ पर अगर आप विश्वास खो जाते हैं या कुछ ऐसा आपको आपके आलाकमान को लगता है, संगठन को लगता है कि यहाँ पर आप क्योंकि विश्वास का अभाव है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास खो चुके थे, विश्वास नहीं है, तो जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया, नहीं तो ऐसा फैसला लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है, मतलब मैं सिर्फ वो बात जोड़ना चाह रहा था कि यहाँ पर एक बात तो है कि यहाँ पर अगर वो नायब सिंह सैनी को लेके आए हैं तो क्या कारण रहा है, ऐसा तो नहीं है एकाएक, तो वो अब देखिए ना, अब इसकी अगर हम तुलना करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है, एक बलिदान करा भाजपा ने, बड़ा दिल दिखाया, एकनाथ शिंदे को बना दिया, वो दूसरे दल से आते हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस पीछे हो गए। असम में भी आप देख लीजिए कि वहां पर अब हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कांग्रेस से आए हुए हैं हताश होकर, और वो भाजपा में शामिल हुए, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यही बात है कि जब नेतृत्व कोई ऐसा फैसला लिया जाता है उसके पीछे सोच होती है,
और कि क्या कि आपको बाकी क्योंकि आपको विधानसभा में पहले अगर मुख्यमंत्री बदले जाने तक के बड़े फैसलों की सोच निकल कर सामने आती है तो ये जनता को क्या प्रभावित नहीं करती है? नहीं, जनता को प्रभावित करती है, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही दोनों पहलू हैं कि कुछ आपके समर्थक हताश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और वहां पर उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि यहाँ पर भरोसा सबसे बड़ी बात है, भरोसा, विश्वास कि आप अगर एक राजनीतिक दल पर विश्वास आपका बरकरार है, बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात भूलना नहीं चाहिए, ये लोकसभा के चुनावों की बात हम अगर आज कर रहे हैं क्योंकि हम इसका सीधी तुलना कर रहे हैं कि क्या जो मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, उनको बदला गया है, क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है भाजपा को लोकसभा के चुनावों में? लोकसभा में मुद्दे अलग हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यहाँ पर अभी जैसे राष्ट्रवाद की बात चल रही है, 370 को हटाया गया, 35A की धारा को हटाया गया, एक नई सुबह का आगाज करा गया, अब तो और दो कदम आगे बढ़कर बात हो रही है कि पीओके को वापस लेंगे हम, तो वो भी बात है, अभी वो दिन भी दूर नहीं जब अक्साई चीन की बात चलेगी। अनुज जी, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने जनता से भी बातचीत की, लोगों से भी बातचीत की, तो कहीं गुरुग्राम का इलाका देख लें, फरीदाबाद का इलाका देख लें, एक मिला जुला असर नजर आया है, जो नेशन के मुद्दे हैं वो भी दिखे हैं और एक मिला जुला असर ग्रामीण जो योजनाएं हैं उनका भी दिखाई दिया है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर कहाँ कितना हैवी हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर हर जगह, आप ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, देश में हर जगह देखिए बहुत सारा असंतोष है, पब्लिक कई जगह पर बहुत ज्यादा परेशान है, करप्शन से ही बड़ी परेशान है और रोजगार एक मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, विपक्ष ने अगर महंगाई का और रोजगार का मुद्दा उठाया है तो वो एक मुद्दा है, लेकिन अल्टरनेटिव लीडरशिप भी तो होनी चाहिए विपक्ष के पास जो उस सारी सिचुएशन को संभाल सके। सारे आक्रोश हम सारे चैनल दिखा रहे हैं, आप लोग भी लगातार एक कोने-कोने जा रहे हैं और वो चीजें हैं। भारत कोई विकसित देश नहीं है, भारत कोई सैचुरेट इकोनॉमी नहीं है, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन एक ऐसी लीडरशिप चाहिए अगर विपक्ष के तरफ से कि जो उन सारी समस्याओं का समाधान कर सके, तो ऐसा जनता पे को फेथ होना चाहिए ना, तो यहीं पर ही विपक्ष पीछे आ जाता है और मोदी जी आगे आ जाते हैं। तो लोगों को आज भी भरोसा है कि हम मोदी की लीडरशिप में, मोदी संभाल लेगा, अगर कहीं क्राइसिस मैनेजमेंट है संभाल लेगा, कहीं बाढ़ आ गई तो संभाल लेगा, कहीं तूफान आ गया तो संभाल लेगा, विदेश में की समस्या तो संभाल लेगा। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया है लीडरशिप का, ये मोदी की एडवांटेज है और यहाँ विपक्ष चूंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ रहा, तो एक चेहरा उभर के नहीं आ पा रहा जिस पर जनता डिपेंड कर सके। तो समस्याएं हमेशा रहेंगी, समस्या का समाधान का एक रास्ता हमेशा रहना चाहिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है लोगों के भीतर कि एक उनके उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा लगातार दिया भी जा रहा है, और साथ ही साथ एक जो चेहरे का अभाव है या फिर चेहरे बहुत ज्यादा है, ये एक लोगों के भीतर इल्यूजन की स्थिति है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मोदी जी के ऊपर अभी देश की जनता भरोसा कर रही है। आप पिछली बार भी अगर देखिए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने नारा लगाया था 300 पार, और वो लकली कह लो कि 303 सीट आ गई और 50 आ गई थी एनडीए की। इस बार उन्होंने जो नारा दिया है 400 पार, तो 370 अपनी बीजेपी का दिया है। तो ये कुछ सोच समझ कर दिया गया। कितना दम है इस दावे में? उतना दम तो नहीं मैं कहता, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि पिछले दावे से जो पिछला उन्होंने सीटें ली, उसे 5% प्लस सीटें आ सकती हैं, ऐसी संभावना बिल्कुल बनती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज देखिए कि जितने भी सांसद यहाँ खड़े हुए थे, अभी जैसे हमारे कृष्ण पाल जी तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, इंद्रजीत जी भी लड़ रहे हैं गुड़गांव में, 5 सांसद ऐसे जो पुराने हैं जिनको टिकट दी गई है फिर से। ये लोगों की बहुत नाराजगी थी, लोग 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि इस सांसद ने हमारे काम नहीं किए। नाराजगी जब कहीं जाते थे, इवन 10 जगह पर हमारे सांसद को वहां पर माफी मांगनी पड़ी लोगों से कि आप मेरे कार्यालय में आए, मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया, उस वजह से आप नाराज हो, तो मैं माफी मांगता हूँ। फिर उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, अगर बेटा को गलती कर ले तो बाहर तो नहीं निकाल देते। तो माफिया मांगने की नौबत आई, पर उन पे भरोसा नहीं है। अगर आप कल को कहो कि ये अब भी वोट देते हुए ये कहते रहे कि हमें मोदी की वजह से वोट दे रहे हैं, लोकल सांसद की वजह से वोट नहीं दे रहे, यहां तक कि भी एक बड़ा कुछ लोगों ने कहा। विपिन जी, बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन पर लोगों को भरोसा था, जो 5-5 बार के सांसद रहे, लेकिन वहां भी एंटी इनकम्बेंसी, लोगों के भीतर लगा कि एक ही व्यक्ति क्यों, यही व्यक्ति क्यों, यही जाति क्यों, ये भी चीज लोगों के भीतर दिखाई दी है। निस्संदेह देखिए वही बात है, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, 6-7 में से 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे गए, तो इसका मतलब है दोनों पहलू हैं। यहाँ पर एक विपक्ष ये हमला बोल सकता है कि यहाँ पर उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था नहीं, कोई काम नहीं उस स्तर के करे, जो उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। और वही बात है, अगर भाजपा की बात करें, वो ये
आगे बात रख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्तर पे वो नहीं पहुंच पाए, कुछ कमी पेशी रहेगी, काम अच्छा था लेकिन वो उस स्तर पे नहीं आ पाए और हम लोग रिपीट। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे हम इतने वर्षों से सुनते आए एंटी इनकम्बेंसी, अभी कुछ चुनावों में खास तौर पे पिछले 7-8 सालों में एक नया शब्द उभर के आया है, प्रो इनकम्बेंसी। हाँ। तो मतलब हम कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर कि वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा तो जो सत्ता में बैठी हुई है सरकार तो वो उसके खिलाफ होगा, तो यहाँ पर दोनों चीजें मुमकिन है। यहाँ पर तो वो तो हम हवा का रुख जिधर का उधर के। एक बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूँ इस बात का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि देखिए 2014 का जो चुनाव लड़ा गया था वो जब अनुमान लगाया गया, आकलन करा गया कि क्या क्या नीतियां थी, क्या रणनीति थी भाजपा की, तो ये एक बात उभर के आई कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो उनकी थी वो बहुत कारगर साबित हुई और उन्होंने इनको भाजपा को जीत दिलाई और ऐतिहासिक जीत। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 2024 में 10 वर्ष बाद यहाँ पर विपक्ष ने भी सोचा होगा, क्योंकि ये बात तो तय है, इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व है वो जीते जाते हैं रणनीति के आधार पर, कि आपकी रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, जनता के बीच जाएंगे क्या, आप बात बोलेंगे, अपना रोड मैप कैसे साझा करेंगे, कैसे उनका विश्वास जीत पाएंगे। और यहाँ पर ये भूलना नहीं चाहिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा जो उनका एक करिश्मा बना हुआ है जो वर्चस्व बरकरार है, और साथ में 21वीं सदी के चाणक्य अमित शाह, तो ये जब दोनों इनका ये जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक अलग समीकरण बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2024 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर विपक्ष ने भी अच्छी कमर कसी, और यहाँ पर जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं अलग अलग यूट्यूबर्स की बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, वहां पर वो जो आंकलन पेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बड़ी ये गंभीर मुद्दा है, छठे चरण पे हम आज अपने अपने विचार रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, और मैं ये बात भी बड़े विश्वास से कहूँगा कि यहाँ पर जो बाकी मेरे साथी हैं पत्रकार वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग कोई थ्रेटन महसूस नहीं करते, क्योंकि हम लोग जब पत्रकार हैं, पत्रकारिता में अपना जीवन खपाया है, तो हम लोग सिटीजन जर्नलिज्म को के चाहते हैं कि वो भी बढ़े आगे, क्योंकि आजकल हर किसी के पास अपना कैमरा है, मोबाइल है, वो वहाँ पर कोई चीज़ देखता है ऐसे आपत्तिजनक तो उसको कैमरे में कैद कर लेता है, या कुछ मुद्दा ऐसा होता है कि जिसको वो आगे लेके आना चाहता है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन फिर भी ये बड़ी आयरनी है हाँ, कि हमारे ऊपर फिर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं हमारी ऑथेंटिसिटी पर, क्रेडिबिलिटी पर। अलग बस मैं एक संक्षेप में एक बात बोलना चाहता हूँ कि 2024 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष ने भी अच्छी रणनीति अपनाई है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग देखिए टीवी चैनल्स पे अलग आंकलन आ रहा है कि क्या पर यहाँ पर भाजपा अंत में कितनी सीटें निकाल पाएगी, एनडीए कितनी सीटें निकाल लेंगे, वहां पर यूट्यूब पे एक अलग नैरेटिव चल रहा है, तो मतलब ये दोनों जो अलग बिल्कुल विपरीत। अमित नेहरा जी, दोनों ही पहलू हैं, अब अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर हम अब मीडिया में आप जैसे लोगों से हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं उसकी बात कर लें, लेकिन असल में जो मूल मुद्दे हैं जो इस वक्त राजनीति में हम कह सकते हैं जो संभावनाएं हैं, खासतौर पर अगर हम चाहे इंडिया गठबंधन के लिहाज से देख लें, तो अगर लोकसभा में अगर हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो एक ही सीट थी, लेकिन किस तरह से आप भविष्य देखते हैं जिस जोर शोर से प्रचार प्रसार इंडिया गठबंधन का हो रहा है, ओवरऑल अगर हम एक बात करें तो? देखिए सोनल, अगर हरियाणा के परिदृश्य में ये बात कही जाए इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने उस शिद्दत से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता ने चुनाव लड़ा है। यहाँ इतने वो इंटेंसिव जो कैंपेनिंग होनी चाहिए थी विपक्ष की वो हुई नहीं, वो मोर्चा खुद जनता ने संभाला। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक रोल रहा है कैंडिडेट सिलेक्शन, जो कैंडिडेट उतारे जितने भी उससे बेहतर इनके पास ऑप्शन नहीं था, ये बेस्ट सिलेक्शन था, तो इस वजह से भी कांग्रेस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मोड पे है। हाँ। तो ये एक बड़ी बात थी। बाकी आप देखिए, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने एक बड़ी चतुराई चली है इस इलेक्शन में कि मुकाबले को मोदी वर्सेस राहुल होने से बचाया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमेठी की, क्योंकि अगर हम बात करें कोशिश तो से बहुत की, कोशिश हाँ, बहुत की, हाँ। लेकिन वो मुकाबला नहीं बन पाया। हाँ। क्योंकि आप देखें सैम पित्रोदा,
सैम पित्रोदा के जब प्रेस नोट जारी किए गए बीजेपी की तरफ से, तो सैम पित्रोदा का नाम नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के मेंटर, हाँ। राहुल गांधी के मेंटर, हाँ। नाम नहीं पूरे प्रेस नोट में, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला राहुल वर्सेस मोदी नहीं हो पाया। यहाँ पे फेल हुई है, पहली बार मुझे लगा है बीजेपी की रणनीति। तो कई बार क्या होता है कि आप लगातार एक कुदरत का भी नियम है, आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते, बदलाव जरूरी है, ये शाश्वत नियम है। हमने इंदिरा गांधी का भी सुना है भाई, उन्होंने तो 400 बार दो बार किया था और 350 बार तो दो तीन बार और भी किया था, लेकिन उनका भी पतन हुआ क्योंकि शिथिलता आ जाती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और यही जो कारण है, एक हरियाणा में मुझे लगा है कि ज्यादा नुकसान डबल इंजन की सरकार के कारण हो गया। हाँ, ये गठबंधन पे सवाल महत्वपूर्ण है, मैं इस पर भी आपसे, ये डबल इंजन की सरकार जो वाला मामला है, अगर दोनों सरकार अलग अलग होती, क्योंकि जब लोग उम्मीदवारों से जब 1-to-1 करने लगे हुए थे, हाँ, कि ये काम क्यों नहीं हुआ, हाँ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, हाँ, अगर सरकारें अलग होती ना, तो ये कह के बच जाते कि भाई, हाँ, सेंटर में तो दूसरी सरकार, हाँ, है या राज्य में दूसरी सरकार है, अब जवाबदेही दोनों की देनी पड़ती है, तो वो बड़ा नुकसान किया है इसने। और गठबंधन टूटने से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वर्चस्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया, चाहे हम नायक जनता पार्टी की बात कर लें, कितना नुकसान देख रहे हैं आपको, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, कहीं पर भी क्षेत्रीय पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा ने एक नए युग में प्रवेश किया है। इससे पहले मुकाबला वैसे तो दो ही उसमें होता था, लेकिन बीजेपी थी जब लोकसभा के इलेक्शन होते थे, तो विधानसभा में फैक्टर ये होता था इनेलो वर्सेस कांग्रेस, और बीजेपी एक सहायक की भूमिका में थी। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदलनी शुरू होगी और आज जाके बाइपोलर हो गया मामला। आज मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में है, और मुझे लगता है कि नई पार्टी खड़ा होने में और इस लेवल तक आने में कि वो, हाँ, टक्कर देश के दोनों पार्टियों को करनी पड़ेगी, तो 10-15 साल, हाँ, लगेंगे उनको, क्योंकि 25% के आसपास वोट बैंक इंटैक्ट रहता था इनेलो का, INLD का। 1998 में इनेलो बनी थी विधिवत रूप से और वो लगभग 20 साल चली और उसका 20 साल तक लगभग 25% वोट बैंक रहा। तो 2018 में जब वो टूटी तो ये लग रहा था कि सारा वोट बैंक जेजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जेजेपी की तरफ जो शिफ्ट हुआ वो 8-9% हुआ, वो बाकी का किधर गया उसका नहीं पता चला था। अनुज जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, ये बीजेपी जो एक निर्णायक भूमिका में आती चली गई, इस सफर को आप किस तरह से देख रहे हैं और उसमें कितनी संभावनाएं अभी इलेक्शन के लिहाज से आपको दिख रही है? देखिए, मोदी जी ने चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटजिकली काम किया। अपने पहले फेज में इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले उन्होंने देश में विकास की बातें की, और उनकी जितनी नीतियां थी वो किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं थी, उन्होंने पूरे देश के सब लोगों को समान रूप से सारी अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाया, तो एक परसेप्शन बड़ा उनका क्रिएट हुआ पॉजिटिव। दूसरा, उन्होंने पार्टी में जो एंटी इनकमेंसी रहती है, पार्टी में डिफरेंसेज रहते हैं, उनको बड़ा शॉर्ट आउट किया, उन्होंने बिल्कुल नई लीडरशिप लेकर आए। हरियाणा में चुनाव देख, नायब सिंह सैनी आ गए, ऐसी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नया चेहरा आ गया, राजस्थान में नया चेहरा आ गया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कास्ट इक्वेशन से अलग जाके लोगों को लीडर बनाया। तो ये एक असेसमेंट एक क्रिएट किया कि हमारे यहाँ जाति नहीं चलती, हमारे यहाँ एफिशिएंसी चलती है, और नई हम जनरेशन को और नई लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज आया कि हम कास्ट से उठ के हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा काम करते हैं। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद सेकंड फेज से आपने देखा, उन्होंने एकदम कांग्रेस पर और विपक्ष पर जाति और धर्म को लेकर प्रहार करने शुरू कर दिए। तो उनकी कमियां उजागर करें कि ये लोग सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम सारा काम करते हैं और SC ST OBC के जो मसीहा बनने की कोशिश करते हैं उन्हीं के लाभ जो है वो उनको अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं, तो उनको एक तरह से बैकफुट पर ले आए। और ये चीज उन्होंने हरियाणा में भी हर जगह अप्लाई की, और हरियाणा में देखिए कहीं पर भी और इससे एप्लीकेबिलिटी का फायदा भी कहीं पार्टी से अलग नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी की आधी लीडरशिप निकल के बाहर चली गई। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, ये चर्चा अंतहीन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ जानने को सीखने को मुझे भी मिल रहा है और दर्शकों को भी मिल रहा होगा। आप जैसे लोगों ने, जो वरिष्ठ पत्रकारों ने बेहतरीन काम किया है, उसे रिसर्च का नतीजा है कि हम एक बहुत अच्छी चर्चा आज कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 25 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई है और उसके बाद अब जब नतीजे आएंगे
तब ये चीज़ें साफ हो पाएंगी कि ये जो वायदे किए जा रहे थे, जो बातें की जा रही थी, उनमें कितना दम है और किस पार्टी को इसका कितना फ़ायदा होता है। फिलहाल ये एक छोटा सा रिसर्च हमारी तरफ से था, जो तमाम पत्रकारों की तरफ से बात कही गई, उसमें अब कितनी संभावनाएं हैं, वो कितनी कारगर साबित होती हैं, वो समय बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर कुछ और अहम अपडेट्स के साथ। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?